सतगुर सबना दा भला मनाएदा। पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज शब्द में पांजे गुरु जी तारीफ कन था वडे फखर सा वडे मान सा बुधाइन था कि सतगुरु सबना दा भला मनाएदा दिस दा बुरा कहे। मुझो सतगुरु ओ सतगुरु आ वो जेको सबनी जो भलो मनाइंदो आ सबनी जो भलो चाहिंदो आ वो कें जो बुरो ना है चाहिंदो तो मुझो एड़ो सतगुरु आ मुखे एड़ो सतगुरु प्राप्त थियो आ। गुरु रामदास जी महाराज सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए। गुरु रामदास जी महाराज चंदा मुझो सतगुरु त दयालु आ पर कोई दया वठण वारो होजे मुझो सतगुरु त बख्शण हारा कोई बख्शिश वठण वारो होजे। जपो जी सतनाम सारे जपो सतनाम जेतरी संगत बैठी एतरो आवाज ना है सब जपो सतनाम सतनाम। हां ही वाहेगुरु जपण में केड़े किस्म दी बख्शिश आ पर वाहेगुरु जपन कई प्या कुछ जणा ता जपन सब न प्या जपन साहिब इते उही गाल कन प्या कोई बख्शिश वठण वारो हो जे कोई दया वठण वारो हो। बाकी सतगुरु त दयावानन बख्शण हार तना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सतगुरन जे वक्त कवि ध्यान सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सतगुरन वट 52 कवि दरबार में मौजूद हुंदा 52 कवि उहे कवि कोई आम न उन्हें जी जेका कविता भी उन्हें जो लिंक डायरेक्ट खुदा सा डायरेक्ट रब सा एड़ी कविता 52 कवि सतगुरु पान भी वड़ा कवि आ विद्यावीर सतगुरु के विद्यावीर चवेंदो सतगुरु पान भी वड़ा कवि आ कविता कंदा चंदा दरबार में कविता लेपी सबनी कवि ने पांजी कविता बुधाई चंदा जरे वारी आई भाई कवि चंदन जी कवि चंदन सतगुरु कवि चंदन की जो भाई कवि चंदन तमा भी पांजी कविता बुधायो पर चंदा भाई कवि चंदन के मन में अहंकार हो ना अन्य अहंकार जी मेल लथी न हुई चवण लोगो सतगुरु जी छा बुधाया कोई मुझी कविता के समझण वारो आई न छा बुधाए न गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चवण लगा तू बुधा त सही चलो समझ में न अचे बुधू त सही कविता केड़ी आ चंदा कवि चंदन अहंकार सा कविता बुधाए तो तू कविता गुदिया के नव सात पिए नव सात किए नव सात पिए नव सात पियाए नव सात रचे नव सात पदे नव सात पिया पे धायक पाए जीत कला नव सातन की नव सातन के मुकंचर छाए मानु महक मंडल कवि चंदन चंद कले वचे कविता करे तो कवि चंदन जपो जी सतना वाहे गुरु। इतिहास पान सबनी जो बुदला के सतगुरु जो किए प्रकाश थो जे वक्त प्रकाश थे उन्हें वक्त केड़ा कोतक रचा इंजे करिया ये सागी विचार न पिया कई कोशिश किया है कि संगत जे गया कुछ नहीं विचार अड़ी विचार कि जेका पान के डेली रूटीन में या जेके पान कुछ गलतियों कयूं था गुरबाणी पढ़ में उहे पान के कुछ क्लियर थी वञे कोशिश किया है तो चंदा कवि चंदन पांजी कविता बुधाई आ जी कविता बुधाई मन में अहंकार आ कवि चंदन सोचन लगो कि जेका मु कविता बुधाई मानु मुंडी वावा कंदा सतगुरु वावा कंदा पर चंदा जी कवि चंदन पांजी कविता बुधाई सतगुरु चो इस जैसे के अर्थ विचारन
इस जैसे के अर्थ विचारन हमरे घाई करे विचार। जपो जी सतनाम वाहे गुरु। कभी चंदन परेशान किस करण करणी सतगुरन के वावा भी मु सोचो सतगुरु वावा कंदा पर सतगुरु छाता चवन सतगुरु चवन का कवि चंदन तो चो सांजी कविता के कोई समझण वारो ना है पर इस जैसे के अर्थ विचारन ने कविता जो अर्थ असंजा कवि छा जेको असंजो घोड़ो संभालिंदो आ जेको असंजे घोड़े जी सेवा कंदा ओई करे वेंदो कवि त दूर जी गाल घोड़े संभालण वारो इने कविता जो अर्थ करे कवि चंदन चंदा सतगुरु हुकुम के भाई धना सिंह के सद करे चो वठी चो जेको सतगुरुन जी नीले घोड़े जी ये ब्या जेके घोड़ा वनन जी सेवा कर वदी सेवा कर कदे उनन के मेरो न थन दिंदो भाई धना सिंह एड़ी सतगुरुन जी सेवा कमाई गोविंद सिंह चंदा कवि चंदन वटवे सिखायन के सतगुरुन जो हुकुम थियो तमा दरबार में चो कवि भाई धन्ना सिंह चवण लगो मां तो सुबह दरबार में हाजरी भरे आए हैं मां तो कीर्तन भी बुधी आए हैं सतगुरुन के दर्शन भी कराए हैं सतगुरुन के दर्शन करे हैं सतगुरुन जी सतगुरुन के पांच दर्शन कराए हैं सिख चवण लगा सा के खबर ना है पर सतगुरुन जो हुक्म मां हन सेवादार इन गुरु जो पक्को आशिक पक्को सेवक चंदा ओदीमल सब कम छदे करे सतगुरुन जे दर वे तेरे सतगुरुन जे के आया सतगुरुन के नमस्कारी के मथो टेक्यो सतगुरुन का पुछन लगो जी सतगुरु जी कोई हुकुम असा जे लाए चंदा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो भाई धन्ना सिंह जो कवि चंदन पांजी कविता रचिया ई कविता बुधाई जिन जो अर्थ तू कंदे भाई धन्ना सिंह जवन लगो सतगुरु जी ए विद्या वीरे शाय शंशा बादशाह दरवेश सतगुरु मुखे घोड़न जे बारे में खबर आ घोड़न जा लक्षण खबर न गा जी पहचाना बाकी के कविता जो अर्थ करण मुझे वस में ना है मुझी इतनी मत ना है मुझे सतगुरु न गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विद्या वीरन एक खिन में के वडो आलिम वडो फाजिल बनाए सगन था ऐ हिक खिन में के आलिम फाजिल के जाहिल बनाए सकन था सब हे गुरु विद्या वीर चंदा भाई धना सिंह जे सतगुरुन वरी चयो भाई धना सिंह सतगुरुन जे चरणन में किरी गयो सतगुरु जी मु मुंजो गालाइंदो पर गालाइंदा तमा बात मुंजो हलंदो पर लफ्ज तमा जो हुंदा अरदास करे तो विनती करे तो चवण लगा भाई धना सिंह चयो आ भाई कवि चंदन बुधायो पांजी कविता कवि चंदन वरी बुधाए तो भाई धना सिंह नव सात पिए नव सात पिए नव सात पिए नव सात पिए थोड़ी विचार रखी आ थोड़ी पर कोशिश कंदा सी न सतगुरु जे दर आया जेके सतगुरु एक खिन में के आलिम फाजिल बनाए सकन था छा पान के विचार समझण जी नाम जपण जी मत नथा बख्शे सगन बख्शे सगन था वरी सागी गाल सतगुरु दाता दयाल है सतगुरु तो दयालुन कोई दया वठण वारो जे कोई बख्शिश वठण वारो जे गुरु के अरदास करे सतगुरु जी पांजी शरण में घुरायो ती आने की कृपा कर नाम जपण जी ताकत भी पान दई छड गुरबाणी पढ़ण जी समझ मत भी पान दई छड सतगुरु जरूर कृपा कर चंदा भाई धना सिंह विचार करे तो नव सात मना नव ऐ सत नव सत घणा थींदा न 16 नव ऐ सत नव सात त्रिए एक सोरन सालन जी स्त्री आ धर्म पत्नी आ जाल आ घरवारी आ नव सात किए सोरन तरन जा सिंगार करे थी 16 तरह जा सजावट करे थी पांजी नव सात पिए सोरन सालन जो जो मुरसा घर वारो पति नव सात पी आए सोरन महीनन का घर अचे तो सोरन महीनन का पो घर अचे तो आऊं दोहराया नव सात त्रिए सोरन सालन जी घरवारी स्त्री आ नव सात पिए सोरन तरन जा श्रृंगार करे थी नव सात पिए सोरन सालन जो हस्बैंड आ घर वारो हम उमर नव सात पी आए सोरन महीनन का पो घर अचे नव सात रचे नव सात बधे
हाँ सोरन महीन का घर अचे तो कवि चंदन पानी कविता करे तो बेन के मुंझाण जे लाए वैसे ने कविता जो को मकसद ना है कोई मकसद ना है पर कवि चंदन बेन के मुंझाण जे लाए पांजो पांजो इलम जाहिर जाहिर करण जे लाए ही कविता रचे भाई धना सिंह वरी अर्थ भी कन था नव सात रचे नव सात बदे नव सात पिया पे धाय पाए हाणू छाता कन सोरन तरन जो बाजू खेलन था सोरा बाजू खेलन था यो फैसलो कयो के सोरे दफे में जेको हारे विंदो न जेको सोरी बाजी खटे विंदो वो विनर आ वो इने बाजी जो जीतवार बणजी विंदो फतेह करण वारो बणजी विंदो जडे रांद खेदन था जीत कला नव सातन की नव सातन के मुकंचर छाए जडे रांद खेदन था चंदा सोरी बाजी में उनजो जेको घर वारो आ पति आ वो खटे तो वने हाँ पति खटे वो जेका घरवारी आ वो शर्म मारे वो पांजी मुंह ते पोती अगे आनी थी सदे पोती सा पांजो सिर ढके थी अई पांजो मुंह लिकाए थी कवि चंदन आखरी में लिखे तो मानु महक मंडल में कवि चंदन चंद कलेवर छाए अई उन जेड़ी तरह सा मुंह ढक्यो न उन जो मुंह इया पियो जाहिर थे जिए चंड बादलन में जाहिर थिंदो कोई चंड जे अगे बटरे बादल जन हल्को को चंड नजर इंदो तीन घरवारी सोरन सालन की छोकरी एड़ी पोती पाती के जिए बादलन में चंड जाहिर थिंदो ई उ छोकरी जो मुंह जाहिर थे हाने ने कविता जो कोई मकसद ना है पर कवि चंदन बेन के मुंझाण के लिए कविता करे तो जदे कविता जो अर्थ थियो कवि चंदन जो कुछ अहंकार घटजी हाँ भाई धना सिंह के तो सतगुरु जी आ वणा मुजी सेवा है घोड़न जी सतगुरु चवण लगा न हाँ तू कविता कंदे कवि चंदन जो अर्थ कंदो भाई धना सिंह चवण लगो सतगुरु जी आऊं कविता किथां रचंदस मुखे तो कविता जी ज्ञान ना है सतगुरु चवण लगा तू शुरू त कर हाँ जे भाई धना सिंह कदे कविता कई ना है सजी उम्र घोड़न जी सेवा कई या विद्या भी सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एड़ी कृपा कन था अज भाई धना सिंह पांजे मुख मा कविता उच्चारण था कविता केड़ी आ मीन मरे जल के पर से कब हुन मरे पव पावक पाए हाथी मरे मद के पर से कब हुन मरे तन ताप हियाए गूड़ में बाज कल दिजरत विचार न सके बिना चित लाए भाई धना सिंह विचार करे तो कविता रचे तो कवि चंदन जो अर्थ करे तो ही जेका पॉइंट दास बुदाय तो या पान सबनी के समझण जी है चंदा कवि चंदन विचार करे तो मीन मरे जल के परसे कब हुन मरे पावक पाए जदे विचार कई विचार में कवि चंदन चे तो इन कविता जो मकसद यो आ के जका मछली हुंदी आ उनके जेगर पान पानी मा कडी छजु आ जींदी आ जेगर उनके पान पानी लजु बाए जु आ जींदी आ जेगर उनके पानी जु आ मरी हुंदी आ कवि चंदन चवण लगो भाई धना सिंह चवण लगा कवि चंदन यो कि थिंदो आ मछी तो पानी में जींदी आ बिना पानी जे तड़पी करे मरी वंदी आ बाए तो बर्दाश्त न करे सकदी चंदा भाई धना सिंह चवण लगो छद ने थे बी कविता जो अर्थ कर वरी बी कविता बुदाए तो हाथी मरे मद के पर से कब हुन बने तन ताप किया है जपो जी सतना सतना अन हाथी मरे कवि चंदन विचार करे तो कि जेगर हाथी के कोई नशो यारे कोई उनके नशो कराए तो हाथी मरी पवंदो जेगर उनके तप बचे बुखार अचे वो मौजू कंदो चंदा भाई धना सिंह चंदन का कवि चंदन यो की है हाथी के जेगर तप पींदा वो तो मरी मिलवा तप में तो इंसान ही ना बचंदा जानवर किथां बचंदो इन जी विचार भी न करे सकियो जदे इन जी विचार ना की सतगुरु के चरणन ते किरी पियो सतगुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज या भी कोई तवा जी नदरे रहमत है कृपा है मुझे अहंकार जो नतीजो है सतगुरु के बेनती करण को सतगुरु जी ने कविता जो अर्थ दबदायो अर्थ छाए कंदा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चयो इन जो अर्थ ही आए मीन मरे जल के परसे कब हुन मरे पव पावके जदे भाई कवि चंदन विचार करे पियो तो उस्ताद किथे वणे नोट कजो जदे कवि चंदन विचार करे पियो वो चवे पियो मीन मरे जल के परसे
इते स्टॉप कर कबहू न मरे पव पाव के पर इनके पढ़बो नी न इनके इए पढ़बो मीन मरे जल के पर से कबहू न मरे पव पाव के वरी बी कविता हाथी मरे मद के पर से कबहू न मीन मरे मरे तन ताप के आए इन जो स्टॉप थिया जेकड़ी पंक्ति पान पढ़ना है गुरबाणी में गुर अर्जन हर गुर रामदास जपो जी सतनाम वाहे गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उत्तर आयो हन पानी पंक्ति पढ़ना है जेगर कोई इनके इया पढ़े गुरु अर्जन घर गुरु रामदास हन जो अर्थ त इया थियो के गुरु अर्जन देव साहिब जे घर गुरु रामदास जी महाराज आया जो अर्थ इया थियो पर इनके पढ़बो इया के गुरु अर्जन घर गुरु रामदास भगत उत्तर आयो गुरु अर्जन देव जी महाराज भगत रूप में गुरु रामदास जी महाराज में महाराज घर प्रगटिया सतगुरन जो प्रकाश जो अर्थ ये थी दो सो एक विश्राम गुरबानी जो एकड़ो विश्राम एकड़ो स्पेस सजो अर्थ गुरबानी जो बदले चली दो जी मिसाल आए रोको मत जाने दो एक लाइन है ना जेगर कोई ने के इए पढ़े रोको मत जाने दो मतलब इन जो मतलब यो कि बंदे के रोकियो वणण न जो और लफ्ज सागया रोको मत जाने दो लव्ज सागियान मीनिंग चेंज थी वही रोको मत जाने जो यानी उनके रोकियो मंजन न जो आई रोको मत रोकियो न जाने सो गुरबानी जदे भी पढ़ू कोशिश कयूं ये आजकल गुरबानी सर्चर में बानी विश्राम ऑप्शन दिनल वो खोले करे जेकर गुरबानी पढ़ना से में सजा स्टाफ दिनल स्टाफ जे साफ सा पढ़ू बानी विश्राम सा पढ़ू विश्राम सा पढ़ंदा सी ताई पान के जो क्लियर अर्थ समझ में सो सतगुरुन जो ही शब्द सतगुरु सबना दा भला मनायदा तिस दा बुरा कियो मुजो सतगुरु सबनी जो भलो मनाइंदो आ मुजो सतगुरु सबनी के रोशनी दींदो आ सबनी जी प्रतिपालना कंदो जेडे चंदन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो प्रकाश थयो अज पीर भीखन शाह जे तरफ सतगुरुन जो प्रकाश थयो अज उने तरफ सजदो करे तो शरीयत मुताबिक इयो आ के नमाज पढ़ने जे वक्त सजदो लंदी तरफ कबो आ पर अज पीर भीखन शाह एड़ी मत बन जी आई आ एड़ी अवस्था बन जी आ नमाज चढ़ंदी तरफ पड़े थे ता पुछन ता सिख सेवक ए पीर जे दी छा थयो आ पांजी शरीयत दे मुताबिक त सजदो त लंदी तरफ कबो आ चढ़ंदी तरफ करो ता अज पीर भीखन शाह चदो जिगर खुदा पानी चढ़ंदी तरफ अची वा खुदा पानी चढ़ंदी तरफ प्रगट थियो आ पों सजदो केके करे पीर भीखन शाह आए मुस्लिम पर अवस्था वदिया पीर भीखन शाह जी पीर भीखन शाह जरे सतगुरन जा दर्शन ज्ञान अज ब कुंजू अग्या पेश के मन ए इयो ख्याल लख जेगर सतगुरु साजी कुंजी के हथ लाइंदा ताओ समझनसी हिंदुन जो पीर आ ई हिंदुन के रोशनी दिनो जेगर खाबी कुंजी के हथ लाइंदा ओ समझनसी मुस्लिम मुसलमानन जो पीरा पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वाकई बादशाह दरवेश वाकई सबनी जी प्रतिपालना कंदर सतगुरु हिकड़ी के न पिनी कुंजन के हथ लातो पीर भीखन शाह समझी वियो ही कोई आम न ही कोई हिंदू जो न कोई मुसलमानन जो न ही पूरे जग के रोशन सजे जग के रोशन